हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपका केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हमारा क्लास प्लस वन का चैप्टर नंबर 12। बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे उसको, वन शॉट करेंगे चैप्टर 12 का। और ये तो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए और किस टॉपिक में आपको डाउट है। आप कमेंट कीजिएगा, ट्राई करेंगे कि आपकी आपको जिस टॉपिक में डाउट हो, जिस चैप्टर में आपको डाउट्स हो, उस पर वीडियो बनाई जाए, ठीक है? क्योंकि आपकी खुशी का ख्याल रखा जाएगा, आप खुश हैं तो हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो आज बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में करते हैं इस चैप्टर को। और वैसे भी चैप्टर बड़ा ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, क्लियर? और ज्योमेट्री सेक्शन से लेके चल रहा हूँ, पहले ज्योमेट्री कम्प्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पूरा जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वन शॉट, वो सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैसे अगर थोड़ा सा देखें इस चैप्टर में क्या है, कि अगर रिलेट करें तो इसमें क्या है, ऑक्टेंट्स है। और ऑक्टेंट्स को मैं आपको दिखा देता हूं। ऑक्टेंट्स की बात करें, देखो हमने टेंथ तक पढ़ा था कि हमें एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, बट यहाँ प्लस वन में एक जेड एक्सिस और बना दिया गया जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट तो फोर क्वाड्रेंट में उसको कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पर जो तीनों प्लेन है वो एक दूसरे को, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वो एट ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें करते हैं? ऑक्टेंट्स में। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इस वीडियो में आप ये चैप्टर ज्योमेट्री सेक्शन आपका 9 मार्क्स का है, तो 4 से 5 मार्क्स का ही चैप्टर रहेगा और इस वीडियो में आप कंप्लीट इसको कवर अप करने वाले हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर मैं एक्सरसाइज 12.1 से बात करूं, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है यानी एक्स की वैल्यू है सिर्फ, व्हाट आर द वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब सिंपल सी बात है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, मान लिया मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, अब पॉइंट्स क्या है, इसके ऊपर है। अब इसके ऊपर जब पॉइंट होंगे तो मान के चलो कि हमारा वाई और जेड दोनों जीरो होंगे। एक्स एक्सिस पर तो सिर्फ एक्स की ही वैल्यू होगी, वाई और जेड की तो नहीं होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, वाई और जेड यहां पर क्या होंगे, जीरो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ए पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन। अब ये एक्स जेड प्लेन होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूं किस तरह से मैंने एक्स एक्सिस लिया और एक्स एक्सिस लिया ये इस तरफ से, और इस तरफ से मैंने ये y एक्सिस लिया, तो ये x और y, ये एक्स वाई प्लेन है, z ये ऊपर की तरफ, इनके परपेंडिकुलर z है, क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं, अब ये एक्स जेड प्लेन है, क्यों? क्योंकि ये जो है x इस तरफ ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है ये, और z ये, तो ये क्या बन रहा है, एक्स जेड प्लेन बन रहा है, क्लियर? यानी एक्स जेड प्लेन में अब वाई जीरो होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A point is an xz plane. What can you say about its y coordinate? Y coordinate xz plane में क्या होगा? Y की value zero होगी क्योंकि वह xz plane में है। तो वहाँ पर y का क्या काम? वहाँ तो y है ही नहीं है, तो y क्या होगा? Zero होगा। तो second का जो answer है, y क्या होगा? Zero यहाँ पर। Clear? अब चलते हैं next question की तरफ। अब यहाँ से question बनता है, यहाँ से question जरूर बनता है। Question क्या बनता है भाई? कि नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फ्लोइंग पॉइंट्स लाई। हमें क्या लिखना है, ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को आपको लिखना है कि किस ऑक्टेंट में लाई करता है। तो टेंथ तक तो हमने पढ़ा कि क्वाड्रेंट किस में लाई करता है, तो अब यहाँ पर प्लस वन में क्या है कि ऑक्टेंट्स यानी ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करते हैं। तो अगर ऑक्टेंट की बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, सिर्फ टेंथ से ही रिलेट करेंगे इसको। कैसे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल देता हूँ, हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है? मान लिया मेरा फर्स्ट पॉइंट है 1 2 3 1 2 3, आपको चेक करना है कि ये कहाँ पर लाई करता है। आप एक्स और वाई से सिर्फ देखो, एक्स और वाई को देखो सिर्फ। अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ, मान लो इस तरह से, मान लो मैं इसको कट करता हूँ, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, इसके परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस होता है। अब जब आप पॉइंट्स के लिखोगे, जब आप ऑक्टेंट्स लिखोगे, तो आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिर ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवन्थ हो गया और एट हो गया। बड़ा ही सिंपल फंडा आपको बता रहा हूँ,
पहले दो चेक करने हैं बस आपको, उसके बाद थर्ड चेक ही नहीं करना। थर्ड में सिर्फ प्लस माइनस देखना, उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे कैसे। देखो अब यहां पर अगर देखें, एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट में हो सकता है या पॉइंट फिफ्थ में हो सकता है। तो अब जेड भी पॉजिटिव है, अगर जेड पॉजिटिव है तो फर्स्ट में है, अगर जेड नेगेटिव होता तो फिफ्थ में होता। यानी बस आपको ये ध्यान रखना है, एक्स वाई चेक करने हैं। अगर एक्स वाई चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग अगर जेड पॉजिटिव है तो पहले फोर में से होगा, अगर जेड नेगेटिव है तो लास्ट वाले फोर में से होगा, फिफ्थ सिक्स सेवन एट में से। ठीक है, आपको चेक किससे करना है, एक्स वाई से। जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव वो डिपेंड करता है कि पहले चार में से होगा या लास्ट वाले में से। देखो मैं आपको बता देता हूँ, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में बोला हुआ है फोर माइनस टू थ्री, फोर माइनस टू और थ्री। अब यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इसको देखो पहले कहाँ होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पर होता है, x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो आपको टेंस से रिलेट कर रहा हूँ इसको, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब इसने बोला कि साथ में z भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फोर्थ वाला ऑक्टेंट है। क्वाड्रेंट थे तो चार थे, ऑक्टेंट है तो आठ ऑक्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, किस तरह से बन रहे हैं ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से बन रहे हैं, ये देखो इस तरह से ये बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस जा रहा है और इधर ये वाई एक्सिस जा रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस ये ऊपर, यानी तीनों प्लेन, ये पर्पल ऑरेंज और ये जो लाइट ब्लू है हमारा स्काई ब्लू, ये तीनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ की फर्स्ट की बात करूँ तो देखो तीनों प्लस 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 एक्स वाई प्लेन में, फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव होगा वाई भी और जेड भी। फिर इधर से सेकेंड में आ जाएंगे तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा वाई पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर है तो जेड भी, और इसी के नीचे चल रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा बंडा आप ये देख सकते हो स्ट्रक्चर में। आगे चलते हैं, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट करते हैं फोर माइनस टू और माइनस फाइव, मैं यहीं पे आपको बताता रहता हूँ, फोर माइनस टू और माइनस फाइव, तो फोर माइनस टू और फाइव। अब इसको देखे, एक्स क्या है मेरा पॉजिटिव है, वाई क्या है मेरा नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव कहाँ पर होता है, एक्स पॉजिटिव होगा मेरा फर्स्ट में, यानी एक्स पॉजिटिव यहाँ होगा, और y नेगेटिव है यानी यहां पे जा रहा है, इस वाले में जा रहा है, बट z भी नेगेटिव है, z भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कौन से में हो गया, एट्थ में हो गया। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब यहां तक तो ठीक था कि फोर्थ में है, जैसे ही z नेगेटिव हुआ तो फाइव सिक्स सेवन एट ये एट्थ में चला गया। जब तक z पॉजिटिव है तब तक तो वो वन टू फोर में जाएगा, बट जैसे ही जेड नेगेटिव हो जाएगा वो किस में चला जाएगा, फाइव टू एट में चला जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, बहुत और कुछ है ही नहीं है। तो आगे चले, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट था और फिफ्थ था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ और एट्थ हो गया, इज इट क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ये वाला, आप कर सकते हैं फोर टू और माइनस फाइव। देखो फोर टू और माइनस फाइव, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है फर्स्ट, बट जेड नेगेटिव है, इसका मतलब फिफ्थ हो जाएगा। उसके बाद माइनस फोर टू और माइनस फाइव, माइनस फोर टू और माइनस फाइव। देखो एक्स नेगेटिव कहाँ पर होता है, एक्स नेगेटिव इधर होता है, और माइनस फोर टू और माइनस फाइव, एक्स वाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, यानी सेकंड में हो सकता है, बट जेड नेगेटिव है, इसका मतलब ये सिक्स्थ ऑक्टेंट में जाएगा। जब जेड हमारा नेगेटिव है वो ऊपर रहने ही नहीं देगा, और वैसे भी नेगेटिव पीपल तो ऊपर रहने ही नहीं देते, तो वो कहां पर जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, माइनस फोर टू फाइव,
-4, 2 और 5, इसको सॉल्व करते हैं। -4, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस x होता है, यहाँ पर माइनस x होता है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी सेकंड तक तो ठीक है, यानी z भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकंड में ही लाई करेगा, सेकंड ऑक्टेंट आएगा, सेकंड ऑक्टेंट। समझ आ रहा है ना आपको? बस एक्स वाई का ही ध्यान रखना, वही फंडा। और क्या ध्यान रखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर नेगेटिव है तो 5 6 7 8 में आएगा, पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 में आएगा। वही 10th क्लास से रिलेट करना है, जैसे आपने रिलेट किया था, भाई यहाँ पे रहे तू क्यों गिन रहा है, तेरे बिना क्या है हमारा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने कर लिए हमने? अच्छा नेक्स्ट पे देखते हैं। -3 -1 और प्लस के 6, -3 -1 और प्लस के 6, क्लियर? अब x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x नेगेटिव यहां पर, y भी नेगेटिव यहां पर, दोनों नेगेटिव है, यानी यहां पर थर्ड में आ सकता है या सेवेंथ में, बट z पॉजिटिव है इसलिए ये थर्ड में जाएगा, तो ऑक्टेंट कौन सा हो जाएगा इसका? थर्ड ऑक्टेंट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको, लिखने तो पॉइंट तो लोकेट करने आपको बताएगा ही, आपको देगा ही पेपर में, ठीक है ना? तो आ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 -4 -k7। अब देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x नेगेटिव यहां पर, y नेगेटिव यहां पर, तो या तो थर्ड में हो सकता है सेवेंथ में, बट भाई साहब ने z नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए सेवंथ में जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? सेवंथ ऑक्टेंट। सिंपल है ना? कुछ मुश्किल है? कुछ भी नहीं है, क्लियर? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमने कर लिया सारा, ब्लैंक्स करते हैं। ब्लैंक्स में अब क्या है, देखो ब्लैंक्स की अगर बात करें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, एक्स एक्सिस और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई टेकन टुगेदर, एक्स और वाई, कहाँ एक एप्पल का और एक राइटोमीटर पेन, ठीक है? इतना डिफरेंस हो रहा है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्वालिटी का, बट ऐसा नहीं है, दोनों बराबर होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन कौन सा प्लेन आपके सामने है, एक्स वाई प्लेन, तो ये कौन सा हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स वाई प्लेन। इज इट क्लियर? आगे चले, चलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, भाई ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, इस प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट पड़ा है, यहां पर कोई कोऑर्डिनेट पड़ा है एक्स प्लेन में, भाई तो यहां पर क्या जेड होगा? जेड तो है ही नहीं एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में जेड का क्या काम, तुम्हारा क्या काम यहां पर, तो जेड क्या होगा? होगा ही नहीं। ये तो वही बात कर रहे हैं जैसे कई बार कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी में, कई बार हमें प्रोबेबिलिटी में पागल बनाते हैं कि एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल? आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में क्वेश्चन। भाई यार हमारा पागल बना रहे हो, पागल समझे हैं क्या? मतलब यार मतलब यार एक बात बताओ, बैग में जब ब्लैक पड़ी है, रेड पड़ी है, मैं व्हाइट क्यों पूछ रहा है? तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ऐसे ही जब एक्स और वाई में जेड पूछ रहे हैं तो जेड का क्या काम, जेड क्या होगा? 0 होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, अब एक्स होगा वाई होगा बट जेड नहीं होगा, तो जेड को 0 लिख देंगे। इज इट क्लियर? आगे चले, देखो कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस, स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर नीचे से फिफ्थ और फिर सिक्स्थ और सेवंथ और एट, तो किस में डिवाइड करता है? 8 ऑक्टेंट्स में। तो बड़ा ही आसान अच्छा क्वेश्चन है, तो 8 आ जाएगा, क्लियर? तो चले नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, 12.1 हमारी हो चुकी है विद इन द 14 मिनट्स, तो आगे चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2 पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है?
अब चलते हैं 12.2 पे। चले भाई, क्लियर। 12.2 को देखते हैं क्या कह रहा है। 12.2 में हमने पढ़ा होगा, 12.2 में डिस्टेंस फाइंड करना, बस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। अब देखो डिस्टेंस की अगर बात करें, मान लिया एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये दो पॉइंट है ए बी, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जरूरी है निकालना, निकाल सकते हैं। जब हमने छोटी क्लासेस में किया था, जब हम छोटे बच्चे थे यानी हम 10th में थे, तब हमने किया था कि एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन वो स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि आप प्लस वन में हो गए हो, थोड़े बड़े हो चुके हो, तो यानी यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड होना चाहिए, जेड। अब जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। तो ये फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ मैं, क्या फॉर्मूला बन गया प्लस वन में। आप चैप्टर्स की समरी में जाइएगा, देखो ये डिस्टेंस का ये फॉर्मूला बन गया, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। क्लियर। अब स्क्वेयर करना चाहे आप एक्स टू माइनस एक्स वन कर लो या एक्स वन माइनस एक्स टू कर लो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्क्वेयर होने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर, अभी तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। क्लियर, कहाँ पे थे हम, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन करें तो देखते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकाल देते हैं। अब आपने बोला था ए है 2 3 5, बी है 4 3 1। क्लियर, इसको मान लिया मैंने एक्स वन वाई वन और जेड वन, और इसको मान लिया एक्स टू वाई टू और जेड टू। मान लिया, मानना तो पड़ेगा वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं, अब एक्स टू माइनस एक्स वन इसका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट। क्लियर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, एंड द वैल्यू इज वेरी सिंपल। एक्स टू ये पड़ा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, डायरेक्ट लिख दू, नहीं सर डायरेक्ट नहीं, करवा दो आप, ठीक है चलो कोई बात। वाई टू 3 है, वाई वन भी 3 है, शुक्र थैंक यू आपका, 0 होगी वैल्यू, हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो भगवान का 3 बार धन्यवाद किया करो, यार 0 आ रही है, वैल्यू खत्म, हमें क्या, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। चलो क्लियर। उसके बाद जेड टू माइनस जेड वन प्लस में 1 माइनस 5 का स्केयर, और इसका स्केयर 4 माइनस 2 2, 2 का स्केयर 4 प्लस 3 माइनस 3 जीरो, जीरो का स्केयर 2 बार 0, ऐसा नहीं है भाई। 1 माइनस 5 माइनस 5 मतलब माइनस के 4, 1 माइनस के 5 -4, -4 का स्केयर 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और इसका रूट यानी 16 प्लस 4 रूट 20, और √20 को क्या लिख सकते हैं आंटी, हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 5 जा 20। तो आंटी √20 हम क्या लिख सकते हैं, √20 को आंटी ये पेयर एक बाहर आ जाएगा और ये √5 अंदर, तो 2√5 आपका आंसर होगा। अगर आप ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेशन डालना है तो ये लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा √20, प्लीज बताइए आंटी, √20 होगा 2√5, इज इट क्लियर। चले आगे, तो कुछ है ही नहीं है क्वेश्चंस में, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहे हो, यहीं पे करवा दें। चलो इसके लिए रब कर लेते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मेरा तो मत ही लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। रब कर देते हैं, स्पेस बनेगा तो ही लिख पाएंगे, इसलिए माइंड में भी स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। इसमें स्पेस होगा तभी कुछ क्रिएटिविटी डाल पाओगे, अगर यहाँ पर स्पेस नहीं होगा ना, ये भरा रहेगा कचरे से, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो पहले इसको फ्री करो ताकि नया कुछ डाल सके, ठीक है आगे चले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, इसको मैं मान लेता हूं,
ठीक है मान लिया, बस वही करना है एक्स टू माइनस एक्स वन। अब थोड़ा डायरेक्ट कर लूँ, पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया अच्छे से, तो ये 2 माइनस 3 यानी 2 माइनस के माइनस 3 इसका स्केयर प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 इसका स्केयर प्लस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इसका स्केयर और उसका स्केयर रूट। इज इट क्लियर? अब स्केयर रूट हो जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 5 स्केयर 25 प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 7, माइनस के 3 का स्केयर 9 यानी प्लस के 9 प्लस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, -1, -1 का स्केयर +1। तो अगर मैं इसको रूट करता हूँ 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35, √35। तो √35 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, हमने कोई साइन गलत तो नहीं करा क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अगर हम बात करें तो मेरे पास है -3 7 और 2 2 4, अरे यार 2 4, और यहाँ पर क्या है -1 है ना, तो यहाँ पर अगर आप -1 करोगे तो -1 और -2 -3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा कितना 43, तो यहाँ पर आ जाएगा √43। बड़ी सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं आपको सोल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस निकालना, निकाल देते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से है, एक पॉइंट माना सरला, एक पॉइंट है मेरा ये ए बोल दिया मैंने इसको, और बी पॉइंट है मेरा ये, तो सीता और गीता बोल रही हैं कि ये ए और बी दो पॉइंट है, उनकी आपको डिस्टेंस निकालना है। तो वही मान लेते हैं सिंपल सी कहानी पुरानी, x1 y1 z1, इसको मान लो x2 y2 और z2, सॉल्व कर दो। x2 1 -1, 1 -1 ये ध्यान रखना, प्लस, वैसे तो आपने +1 में मैथ लिया तो 10th में आप इंटेलिजेंट ही होंगे, नहीं है तो बन जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। y2 -3 और -3 उसका स्केयर प्लस 4 -4, 4 -4 उसका स्केयर और इन सब का स्केयर रूट। इनको पता नहीं है +1 वाले बैठे हैं, देखो -1 और -1 +1, 1 + 1 2, 2 का स्केयर 4 प्लस, क्या कह रहे हो, दूसरे वाला स्केच ले ले कोई बात नहीं, -3 और -3 -6, -6 का स्केयर 36, क्योंकि माइनस में तो प्लस हो जाएगा जब स्केयर होगा, देखो स्केयर कितना पॉजिटिव पर्सन है, नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव कर देता है, तो आप भी इस तरह से बनिए कि आपके अगर नेगेटिव हो तो आप उसको पॉजिटिव कर दें, ऐसा ना हो कि आप खुद ही नेगेटिव बन जाए ऐसा नहीं करना भाई। देखो माइनस और माइनस प्लस, 4 + 4 8, 8 का स्केयर 64, अरे यार ये तो बहुत बड़ा चल रहा है भाई, ये तो बहुत बड़ा लेके जाएगा। 36 और 4 40, 40 और 64 √104, √104, क्या हम इसको कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 2 4, 4 को 26, अच्छा 4 2, ये भी लिख सकता हूँ, और ये 13, 2 2 4 2 8, अरे 8 13, ये लिख सकता हूँ, बट इससे होगा क्या, यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, वो तो आप लगा ही लोगे, एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा आंटी, अंदर रहेगा 32 2 20, 13 2 26, तो आंसर होगा ये। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आंसर को आपने रेक्टेंगल में क्लोज करना है और बढ़िया सा स्वर्ण अक्षरों में लिखना है कि आंसर है। योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, एग्जामिनर खुश होगा तो वो आपको खुश करेगा, अगर उसे क्वेश्चन ढूंढना पड़ गया तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी तो वो भी बोलेगा पुष्पा फ्लावर, फायर सन फ्लावर समझे है क्या, तो आपको इस तरह से करके आना है कि उसको मतलब अच्छे से कूल माइंड से आपको नंबर दे सके, आपका आंसर रेक्टेंगल में क्लोज होना चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए, दिस इज आंसर। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ ये आपके लिए है, होपफुली कि आप कर पाओगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है x2 - x1 और उस तरह से आप इसको कर सकते हो, क्लियर?
चलो मैं करवा देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं करवाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वाला स्केच लो। ठीक है, 2 माइनस 1 3 एंड बी इज -2 1 एंड 3, ये ए बी है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे वो बोलते हैं कई बार मैं देखता हूँ, 1 चम्मच जीरा लेंगे, थोड़ी सी दही लेंगे, बड़ा मजा आता है कई बार उसमें, और थोड़ी देर उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लिखेंगे x1 y1 z1। x2 y2 z2 लिख लिया। अब देखो x2 माइनस x1, -2 -2, छोटा हो गया भाई, मत खेल यार, -2 माइनस के 2 का स्केयर, 1 माइनस के -1 का स्केयर, प्लस 3 और 3 माइनस 3 का स्केयर। धन्यवाद कोड, जब भी ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आसान बन जाए, ऐसी कुछ कैलकुलेशन आ जाए, तो हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, तूने क्वेश्चन को आसान बना दिया। मुझसे तो नहीं हो रहा था। -2 और -2 4 है ना, -k और -4 का स्केयर 16, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, -1 -1 +1 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 2 का स्केयर 4, ये तो आपको आता है यार। अरे ये तो 0 हो गया, 0 का स्केयर 2 0, बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं करते। 16 प्लस 4 रूट 20। अब रूट 20 को क्या लिख सकते हैं आंटी, तो ये हमने पढ़ा था पिछले जन्म में, कर्ण अर्जुन ने तो पिछला जन्म याद कर लिया था, तुम्हें तो सिर्फ पिछला क्वेश्चन याद करना है कि आंटी रूट 20 का हमने क्या लिखा था। आंटी रूट 20 का हमने लिखा था 2 रूट 5। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको रेक्टेंगल में क्लोज करना है, और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको लिखना आंसर स्वर्ण अक्षरों में, और मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये 2 रूट 5 कैसे आया, ये 2 2 जा 4 इंटू 5 करके आया, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप खुद कर सकते हैं। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लेट मी हैव अ पानी, एनर्जी सफिशिएंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स, भाई सही आ जाए यार, तेरी बहुत जरूरत है। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मैंने बनाए थे, कोलिनियर पॉइंट्स कहाँ पर गए, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे पॉइंट कोलिनियर, कॉमन लीनियर, जो एक ही लाइन पर लाई करते हो, जैसे ये ए बी सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, बट ये नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, तो एक लाइन पे लाई करते हैं उसको कोलिनियर बोलते हैं, इनको नहीं बोलेंगे क्योंकि एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको शो करना है कि ये कोलिनियर है, तो अब कोलिनियर के केसेस में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या हो सकता है। मान लिया 3 पॉइंट है, ए ए क्या है मेरे पास, -2 3 और 5, बी है मेरे पास 1 2 3, सी है मेरे पास, क्लियर, ये 3 पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर, ये 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि, थोड़ा आप इधर जाइए प्लीज, या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों पॉइंट, या तो पहले केस में ऐसा हो सकता है कि ए और बी यहां पर लाई कर रहे हैं और सी इनके बीच में है, तो उस केस में क्या होगा कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी होगा। दूसरा केस यह हो सकता है कि ए और सी यहां पर लाई कर रहे हैं, बीच के लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीसरा केस कह रहा है अगर अगर बी और सी दोनों भाई बाहर लाई कर रहे हैं और ए भाई साहब बीच में आ रहे हैं, तो हो सकता है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं जब भी हम किसी पॉइंट्स को कोलिनियर करते हैं,
कोलिनियर की तीन कंडीशन हो सकती है। तो यहां से निचोड़ क्या निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकला, मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्या मोरल है कि अगर किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ आया? बस ये सिंपल सा भंडा है, बट ये तीनों चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना, उसके अंदर घुसना है कि क्या क्या हो सकता है। इज इट क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सा केस होगा, जानने के लिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा। अब देखते हैं कौन से वाले, येलो वाले लो, ठीक है ले लेते हैं। तो पहले मैं निकालता हूं ए बी का डिस्टेंस निकालता हूं, ठीक है ए बी को निकालते हैं। मैंने मान लिया इसको मैंने एक्स वन वाई वन माना है, एक्स वन वाई वन जेड वन, इसको एक्स टू वाई टू जेड टू, ए बी ए केस में। तो आप डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं ए बी। तो अब हमारा ए बी फाइंड करते हैं, ऐसे ही हो जाएगा। तो ए बी वही सिंपल फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ए बी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने लिखा ये ए बी लिखा वन माइनस माइनस टू का स्केयर प्लस टू माइनस थ्री का स्केयर प्लस ये थ्री पड़ा है और थ्री माइनस फाइव इसका स्केयर और फिर इसका स्केयर, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, प्लस माइनस करना है, सॉल्व करना है। देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया और वन प्लस टू थ्री, थ्री का स्केयर नाइन, फिर टू माइनस थ्री माइनस के वन, माइनस के वन का स्केयर क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो यहां मैं प्लस का वन लिखूंगा। थ्री माइनस फाइव माइनस टू का स्केयर प्लस का फोर, यानी यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास नाइन प्लस वन 10 और 10 प्लस 4 14। तो 14 को मैं क्या ही लिख सकता हूँ, रूट 14 ही लिख सकता हूँ। क्लियर? एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो 1 था माइनस 2 था, ये हो गया 2 माइनस 3, यहाँ पर माइनस 1 था 1 लिख दिया, और यहाँ पर 3 माइनस के 5 था और माइनस 2 हुआ, तो स्केयर होने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 का स्केयर प्लस 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 4 14 लिख सकता हूँ। क्लियर? अभी मेरे पास ए बी आया है, तो अब मैं बात करता हूं किसकी, बी सी की। अब मैं बी सी निकालता हूं, ऐसे ऐसे बी सी बात करें तो इसमें से 7 में से 1 माइनस करेंगे, क्या कह रहे हो इसमें दूसरा स्केच ले, ठीक है 7 माइनस 1 इसका स्केयर प्लस 0 माइनस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3, माइनस के वन और माइनस के थ्री इसका स्केयर और इसका ये स्केयर, बड़ा ही सिंपल है, कर लेते हैं। 7 माइनस 1 सिक्स, सिक्स स्केयर 36, 0 माइनस 2 माइनस टू का स्केयर 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस फोर का स्केयर 16, तो ये हो गया 16 यहां पर। तो 36 प्लस 4 40 और ये हो जाएगा रूट 56। अभी मैं इसको यही लिख सकता हूँ, रूट 56 ही लिखता हूँ इसको। आगे चलते हैं, ये क्या होगा, पॉइंट्स मेरे पास क्या है 7 0 1 1 2 3, ठीक है पॉइंट्स मेरे पास ओके हैं, क्लियर है, मैंने लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ साइड में एक लाइन लगा के, लाइन तो आप लगा ही लेंगे है ना, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर मेरे पास आया ए बी रूट 14 आया और बी सी कितना आया रूट 56 आया। और अब देखते हैं उसके बाद मैं फाइंड कर लेता हूँ ए सी, क्योंकि तीनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस बनाते हैं, स्पेस होगा थोड़ा सा तो लिख सकते हैं है ना। चलो अब करते हैं ए सी, ए सी ए सी 7 माइनस माइनस 2, ये बात ध्यान रखना भाई, प्लस 0 माइनस 3 प्लस माइनस 1 और माइनस के 5। ओ भाई क्लियर? अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 9, 9 स्क्वायर 81 प्लस 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्केयर 9,
माइनस वन और माइनस फाइव, माइनस के सिक्स का स्क्वायर 36, ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू चली गई। तो इसको देखिए, 81 प्लस 9 90, और 90 प्लस 30 √126। तो क्या लगता क्या आपको, आपको क्या लग रहा है, क्या ये कोलिनियर होंगे? अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है एसी की। इसका मतलब क्या हुआ, एसी एक लाइन है, यानी ए बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब बी कहीं ना कहीं लाई करता है, तो इन दोनों को जोड़ के ये आना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? जानने के लिए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, चलो करते हैं सॉल्व करें। क्या आपको लगता है क्या ये होगा, क्या √26 को मैं लिख क्या सकता हूं, इसको ब्रेक करूं, मैं इसको 263 लिख सकता हूं, फिर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं 2 × 3 × 3 × 7 लिख सकता हूं मैं, यानी 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 7 × 1 = 26। तो एक पेयर यहां से बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 का, और ये रूट है तो अंदर बच जाएगा 3 √14। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे आस लगी है, अब मैं √56 को भी देख लेता हूं। क्या कह रही है, येलो वाला स्केच में इसको 2 × 2 = 4, 4 × 14 = 56, एक पेयर बाहर आ गया तो 2 √14। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, आप देख सकते हैं, देखो ये 2 √14 है, ये क्या है मेरा BC, और ये क्या है मेरा AC, और ये मेरे पास ए भी दिया हुआ है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यानी √14 में अगर मैं 2 √14 ऐड कर दूं, अगर मैं x में 2x ऐड कर दूं, तो इधर मेरे पास बचेगा 3 √14। यानी अब मैं कह सकता हूं कि AB + BC = AC। यानी मैं एग्जामिनर को खुश करने के लिए ये भी लिख सकता हूं कि यहां पर C, यहां पर और B, तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं, ABC आर कोलिनियर एंड B लाइज इन द मिड ऑफ AC। मिड नहीं, उसके बीच में लाई करता है, बिटवीन द एसी, बिटवीन, मिड नहीं लिखेंगे, मिड तो मतलब बीच में हो गया, मिड बिल्कुल। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर? तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आपने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एक बार याद करिए, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करे थे, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री का सेक्शन है इसका। नेक्स्ट चैप्टर कॉनिक सेक्शन, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो बड़ा आसान है, कंसेप्ट से पढ़े तो मजा आता है उसमें। ठीक है, चलो करेंगे इसके बाद, इसको देखते हैं। आइसोसेल्स, पहला क्वेश्चन है आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूव करना है, राइट एंगल और पैरेललोग्राम, ये तीन चीजें। जब बात हुई आइसोसेल्स की, तो आइसोसेल्स के लिए क्या क्या कंडीशन होती है पहले वो देखो, क्योंकि जैसे अगर बात करूं मैं पापा की, तो पापा की क्या क्या कंडीशन है, मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए, पापा की ये कंडीशन, और क्या क्या हो सकते कमेंट करना। और सेकेंड थिंग, अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात करूं, तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो, बट आमने सामने वाले एंगल तो बना ही नहीं सकते यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम साइड्स को इक्वल दिखा देंगे, दो साइड को, कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाती है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हम बोल सकते हैं। तो हमारा पहला मोटिव क्या है, हमें करना क्या है, पहले 3 पॉइंट लिखने हैं, इसको लिख दीजिएगा आप, क्या ग्रीन वाला स्केच से कोई बात नहीं, इसको लिख दीजिएगा आप, A 0 7 - 10, B 1 6 and -6, और C 4 9 और -6। 3 points are there, just you have to find the distance AB, BC and AC, clear? बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। तो ए बी फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, वही सेम फॉर्मूला, कैसे, इस 1 में से 0 माइनस कर दो, 0 में से 1 भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपका दिल करता है, जो आपका मूड है उसके अकॉर्डिंग करते हो। प्लस 6 - 7 का स्क्वायर, प्लस
अच्छा ये मेरे पास क्या है, माइनस क्या है भाई, माइनस के 6 में से माइनस कर दो माइनस के 10। कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो करना पड़ेगा, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा, हमें डांट पड़वाएगा। अजी सुनते हो शर्मा जी का नंबर। देखो 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1, प्लस 6 माइनस 7 -1 -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस प्लस, 10 में से -6 गए 4, आसान हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 16 √18, तो √18 आ गया। एबीएम में इसको रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहां पर एक छोटी सी लाइन लगा लीजिए, लाइन तो आप लगा ही लेंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ए बी कितना आया था, √18। अब मैं निकाल लेता हूं, क्यों ना बी सी निकाला जाए, निकाल ले बी सी निकालते हैं। 4 माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस में माइनस के 6, वाओ इसका स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 6 माइनस कर दें तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 2 0 है ना, ऐसे नहीं करते गंदे बच्चे। 9 प्लस 9 ये भी √18 आ गया, तो दो साइड तो इक्वल आ गया, सो कह सकते हैं कहीं तीसरी ना हो जाए, इसलिए चेक कर लेते हैं क्या अब तक तीसरी भी हो जाए, इक्विलेटरल आ जाए, कहीं तीसरी ना ये आ जाए, इसलिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है तो चेक करते हैं, चेक करेंगे ये, चेक करते हैं, जैसे बाएं मुड़ेंगे बाएं मुड़ते हैं। अच्छा उसके बाद क्या रह गया, ए सी रह गया, ए सी रह गया है, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव गिवन 0 एंड इट्स वेरी इजी टू सॉल्व 0। 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस के -10, ओ माय गॉड, 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 7 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 गए 4, 4 का स्क्वायर 16। वैसे ये बुक्स में ही होता है ना माइनस माइनस प्लस, कभी देखा है दो नेगेटिव पीपल को पॉजिटिव होते हुए, या तो एक नेगेटिव हो जाए दूसरा भी नेगेटिव हो जाता है ना, देखा कभी दो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाए, अचानक से उनके अंदर चेंज आ जाए, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। 16 प्लस 4 20 प्लस 16 कितना हो गया, 36। कई बार मुझे लगता है पागल बनाते हैं, तो ए सी आ गया √36। तो आपको क्या लगता है, अब आपके सामने ही है, देखो दो साइड्स ए बी और बी सी इक्वल आ रही है, तीसरी नहीं है, हमें तो दो ही चाहिए, सो देयरफॉर वी कैन से दैट यू कैन ऑल्सो राइट इन द स्वर्ण वर्ड, स्वर्ण अक्षरों में आप लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं सेकंड पे, सेकंड पे चले, इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं भाई, अब कह रहा है कि 3 वर्टिसेस है, आपको बताना है राइट ट्रायंगल क्या है। अब राइट ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे पापा के लिए क्या कंडीशन होती है, मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए है ना, वैसे ही राइट ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होती है। एक पाइथागोरस जी थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भाई बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर ही होगा, ठीक है, और एक इन्होंने कहा था कि 90 का एंगल होगा, बट 90 का एंगल तो हम यहाँ पे क्या प्रूव करें। और एक और मेथड था जो 10th में शॉर्ट ट्रिक में भी यूज होता है, मैं स्लोप, स्लोप सुना आपने, स्लोप
अगर मैं दो लाइन का स्लोप की बात करूं तो दोनों लाइन का स्लोप पर मैं जो उनका स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, प्लस वन में पढ़ते हैं। अब स्लोप नेगेटिव है बट यहाँ पर स्लोप भी नहीं अप्लाई कर सकते हम, थ्री कोऑर्डिनेट्स में अगर बात करें तो वहां पे तो हमने किया था। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, हम पाइथागोरस जी को बुलाएंगे और पाइथागोरस जी कह रहे हैं कि दो का स्क्वायर करके तीसरे की चेक कर लो, अगर ऐसा है तो भाई राइट एंगल के है, नहीं तो नहीं है, अभी चेक तो करना ही पड़ेगा वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। तो देख लेते हैं कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट है मेरे पास ए है 0 7, बड़ी खुशी होती है जब 0 आता है तो चलो कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, सी क्या है, -4 9 एंड 6, इज इट क्लियर। चले आगे तो देखो सही लिखे हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ठीक लिखिए, उसके बाद डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, -1 अच्छा ग्रीन वाला ले लो और 0 स्केयर प्लस 6 -7 का स्केयर प्लस 6, अच्छा इसमें भी 10 दे रखे हैं स्केयर और इसका भी स्केयर रूट, -1 -0 -k1 -1 का स्केयर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 -7 -1 -1 का स्केयर +1, 6 -10 -4 -4 का स्केयर 16 प्लस के 16, तो यहां पर रूट, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स मेरे पास √18। ए भी हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बी सी निकालूंगा, -4 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 9 -6 का स्क्वायर 6 -6 का स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो गया, -4 और +1 कितना -3, इसको कैसे बदल सकता है कि तुम +1 में हो। 9 -6 + 3, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा यहाँ पे देखो -3 बन गया, -3 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9 बनेगा, यहाँ पे भी 9 लिख लेते हैं, मैं +1 की फीलिंग में बह गया था, प्लस में 6 -6 0, थैंक यू वेरी मच हे ईश्वर तेरा धन्यवाद तूने कैलकुलेशन आसान बनाई, तो ये हो गया 18। जब भी ऐसा आए तो दो बार धन्यवाद जरूर करें। तो ए बी प्लस बी सी हो गया, ए बी और बी सी हो गया, अब हमारा रहता है इसको रब कर देते हैं प्लीज, उसके बाद एक बढ़िया सी लाइन लगाएं, ए बी और बी सी दोनों ही आए हैं 18। अब क्यों ना ए सी निकाला जाए, निकाल देते हैं, तो -4 -0, थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव गिवन 0, 9 -7 अच्छा 6 -10, कहीं मुझे लग रहा है मैंने निकाला तो नहीं हुआ, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, चलो देखते हैं -4 और -0, -4 16, 16 आ जाएगा, 9 में से 7 के 2, 2 का स्केयर 4, 6, 10 में से 6 के 4, -4 का स्केयर 16 और इसका रूट है 16 16, 32 प्लस 4 36, √36। तो क्या कह रहे हो आप, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है, क्या ऐसा होगा, जानने के लिए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन। तो देखो अब पाइथागोरस जी बोलते हैं देखो ये दोनों छोटी साइड है ये बड़ी साइड है, तो बड़ी का स्केयर 2 छोटे के स्केयर के बराबर आना चाहिए, तो आप देखिएगा √18 का स्केयर प्लस √18 का स्केयर इज इक्वल टू √36 का स्केयर,
रूट से रूट कटा, रूट से रूट कटा, रूट से स्क्वायर कटा। 18 प्लस 18 36 इज इक्वल टू 36, हेंस वी कैन से दैट यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सो वी कैन से दैट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो लेट मी हैव अ वाटर सफिशियंट। थर्ड क्वेश्चन भी चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा प्लीज, रब कर दे, दिल नहीं कर रहा रब करने का, बड़ा अच्छा लग रहा है, करना तो पड़ेगा ही, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। आप थोड़ा सही रहिए प्लीज यार, बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, सही रहो। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेललोग्राम। कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसको एनालिसिस कीजिए। जब पैरेललोग्राम को आपने प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होती है? अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। अगर अपोजिट पेयर, अगर पैरेललोग्राम मैंने बनाई, मान लो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, मान लिया इस तरह से पैरेललोग्राम बना दी मैंने, ए बी सी डी। ए कितना है मेरे पास? माइनस वन टू वन। बी कितना है? वन माइनस टू फाइव। सी कितना है? फोर माइनस सेवन एंड एट। एंड डी कितना है? टू माइनस थ्री एंड फोर। अगर मैं कोई भी दो पेयर इसको इसको और इसको इसको इक्वल दिखा दूं तो वो क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम। अब इक्वल, अब डियर स्टूडेंट्स एक बात सोचो, अब मैं इक्वल दिखा सकता हूं, अगर मैं पैरेलल तो यहां पे दिखा नहीं सकता, और क्या मैं माइंड अप्लाई कर सकता हूं? मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूं कि आपके लिए इजी से इजी क्या सॉल्यूशन ला सकूं, फिर ही मैं क्वेश्चन को करता हूं। एक यही कंडीशन बनती है। और अगर आप देखो तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वहां से कुछ पॉइंट बन सकता है। आप सोचिएगा, बनता है तो कमेंट कीजिएगा। क्लियर? अच्छा लगेगा कि आपने एफर्ट्स किए हैं। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा मोटिव क्या रहेगा। हम ए बी बी सी, यानी हम दो अपोजिट पेयर इक्वल कर देंगे। यानी हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर? हम प्रूव करेंगे कि कोई भी दो पेयर, जैसे हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि ए बी और सी डी बराबर प्रूव कर देंगे, और हम ए डी और बी सी इक्वल प्रूव कर देंगे। हम अपोजिट पेयर को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। जैसे पापा की कंडीशन है कि मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए, वैसे ही इसकी कंडीशन है, दो साइड अपोजिट पैर अपोजिट इक्वल होने चाहिए। तो क्या देरी किस बात की, निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, येलो स्केच लेंगे, एक बढ़िया से लाइन लगाएंगे, वो तो आप लगा ही लोगे। फिर मैं निकालता हूँ ए बी, फटाफट से निकाल लेते हैं। वन माइनस वन का स्केयर डायरेक्ट निकाल दो। अच्छा, माइनस टू का स्केयर, फाइव माइनस वन का स्केयर और उसका स्केयर रूट। माइनस माइनस प्लस, वन प्लस वन टू, टू का स्केयर फोर। माइनस टू और माइनस टू, माइनस फोर का स्केयर सिक्सटीन। फाइव माइनस वन फोर, फोर का स्केयर सिक्सटीन, और सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन 32 प्लस 4 36। फिलहाल इसको इस तरह से ही रखते हैं, रूट 36। अगर नीड पड़ी खोलने की तो खोल लेंगे, वरना क्या ही जरूरत है। लेट मी हैव अ पानी, इसी बात पे पानी पिया जाए। अब निकालते हैं BC। तो मैं लिखता जाता हूं यहां पर, AB मेरा आया रूट 36 है, AB आया मेरा रूट 36। अब मैं निकालता हूं बी सी, ये वाला, फोर माइनस वन का स्केयर, माइनस सेवन माइनस टू, माइनस सेवन माइनस के माइनस टू का स्केयर, प्लस एट माइनस फाइव का स्केयर, और इस सब का स्केयर
-1 3 3 का स्क्वायर 9 सही है आप ठीक है। माइनस माइनस प्लस -7 और +2 माइनस के 5 का स्क्वायर 25। अच्छा चलो 8 -5 3 3 का स्क्वायर 9 25 प्लस 9 34 प्लस 9 43 तो √43 आया। तो BC की वैल्यू क्या आई है? BC की वैल्यू आई है √43। इसको रब कर देते हैं यहां पे लिख लेते हैं BC √43। क्लियर। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा BC हो गया, अब हम निकालते हैं CD। CD पे चलते हैं, ये C और ये D। 2 -4 का स्क्वायर प्लस -3 -7 -3 माइनस के -7, जरा सी भी नजर हटी दुर्घटना घटी। 4 -8 का स्क्वायर 2 -4 -2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 -3 4 का स्क्वायर 16। 2 -4 ये 4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 -8 कितना हो, -4 का स्क्वायर ये भी 16 हुआ। चलो थैंक यू वेरी मच। 16 प्लस 16 32 और √36। आस लग रही है थोड़ी बहुत, थोड़ी सी उम्मीद जल रही है, जग रही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है कि सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके पास कुछ बचता है तो वो है आपकी उम्मीद, जिससे आप दोबारा से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो CD क्या है मेरा? √36। अब मैं निकालता हूं AD, तो AD क्या आएगा? 2 -1 का स्क्वायर -3 -4 -1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2 +1 3 का स्क्वायर 9 -2 -3 -5 का स्क्वायर 25 4 -1 3 3 का स्क्वायर 9। थैंक यू वेरी मच। 9 और 9 18 और ये हो गया √43, यानी AD हो गया √43। अब आप देख सकते हैं कि दो साइड इक्वल आई है, ये दोनों और ये दोनों, इसका मतलब क्या हुआ? सो वी कैन से दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट पेयर्स आर इक्वल इन दिस क्वाड्रिलेटरल, सो वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, और हमें यही चाहिए था। क्लियर? तो हो गया, तो रब तो क्या ही करना। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 एंड 3 2 -1। इज इट क्लियर? तो अब देखो, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक पॉइंट की इक्वेशन निकाल लें, ये वाला पॉइंट है, ये पढ़ा है यहाँ पे। जो इक्वी डिस्टेंस है किससे? दो पॉइंट से, 1 2 3। अभी हम 12.2 पे है, 12.3 भी पढ़ी है हमारी, तो होपफुली हम कर लेंगे इसको कंप्लीट 45 मिनट्स तक, है ना। अब क्या कह रहा है कि इक्वेशन निकालनी है पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये जो पी पॉइंट है इससे इक्वी डिस्टेंस है, इससे क्या कह रहे हो, ग्रीन वाला स्केच लो, और इस पॉइंट से ये वाला, इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब ये इससे इक्वी डिस्टेंस है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई पी क्या हो और पी आर, ये दोनों बराबर होंगे, हम कह सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मान लिया मैंने इस पॉइंट की इक्वेशन मान ली एक्स वाई और जेड,
इसकी इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट है, कुछ तो मान लेंगे, कहीं तो होगा ये, कहीं पे तो लाई करेगा, अब हमें नहीं पता कहाँ कर रहा। तो बस हम ये फंडा अप्लाई करेंगे कि पी क्या हुआ और पी आर बराबर रख देंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। चले आगे, तो अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ पी क्या हुआ, देखो एक्स माइनस वन का स्क्वायर, वाई माइनस टू का स्क्वायर, अब इसको यहीं रखते हैं, बाद में इक्वल रखेंगे तो बाद में उठा लेंगे। अब निकालते हैं क्या, अब पी आर निकालते हैं, प्यार पी आर प्यार, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, वाई माइनस टू का स्क्वायर, थैंक यू वेरी मच, आपने दो इक्वल दे दिया, मैं कट जाएगा ये, जेड माइनस माइनस वन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होगा होपफुली। तो आगे चलते हैं, क्लियर। अब क्या करना है आपको, पी क्या हुआ और पी आर बराबर है तो दोनों को बराबर रख देते हैं। कहाँ पे रखें, नेक्स्ट पेज पे, चलो नेक्स्ट पेज पे। अब देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, इसको इसको मैं रब कर देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप इन दोनों को इक्वल रखोगे, ये रख दिए दोनों को इक्वल रखा, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, रूट और रूट आपस में कट जाएंगे, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पे रूट एक्स होता और यहाँ पे रूट वाई है, तो दोनों ये कट जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि स्केयरिंग बोथ साइड करें तो दोनों के रूट कट जाएंगे और एक्स और वाई बराबर हो जाएगा। तो ये तो कट गया, बचा अंदर क्या, अब देखो अंदर क्या बचेगा, ये बच गया एक्स माइनस वन का स्केयर, ये बचा। अब देखो ये वाई माइनस टू स्केयर और ये वाई माइनस टू स्केयर सेम कट गया, इसको भी उड़ा दो, कैलकुलेशन आसान बनाओ। ऐसा मतलब सोचो कि अब इसको ओपन करोगे फिर उधर लेके जाओगे, नहीं, जब इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, खोल के नहीं काटना। अब इसको खोलते रहते हैं, एक्स माइनस वन क्या, सबको खोलते रहते हैं, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी वन का स्केयर माइनस टू इंटू वन इंटू एक्स, टू एक्स प्लस जेड स्केयर प्लस थ्री का स्केयर नाइन माइनस टू इंटू थ्री इंटू जेड, यानी सिक्स जेड, सिक्स जेड उधर खोलते हैं, एक्स स्केयर प्लस थ्री का स्केयर नाइन माइनस टू इंटू थ्री इंटू एक्स, सिक्स एक्स सक्सेस, जेड स्केयर प्लस वन स्केयर प्लस टू इंटू जेड, इसको करते हैं रब। अब हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी, प्लीज आइए, आजकल एक शॉर्ट्स में भी चल रहा है मुझे, मेरी याद नहीं आती, मैं कहता कौन है तू, है ना, कमेंट कीजिए किस किस ने देखा है ये, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या कह रही, येलो वाला ले लो, ठीक है, क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा इसलिए कट जाएगा, और प्लस का वन भी कट रहा है, जेड स्क्वायर भी कट रहा है, बस ओ यार थोड़े इतने कट गए यार, कमाल है तुम्हारा, माइनस का टू एक्स और माइनस का सिक्स से आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस सिक्स एक्स, फिर अरे नाइन भी कट गया यार, यार बच्चे की जान लग गई, माइनस सिक्स जेड इधर पड़ा है, उधर से प्लस का टू जेड इधर आ जाएगा तो माइनस के टू जेड हो जाएंगे इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो इन दोनों में से फोर एक्स आ जाएगा, ये माइनस के एट जेड आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से फोर कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस टू जेड हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ये फोर नीचे चला जाएगा तो आपके पास बचेगा एक्स माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो पी पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस है क्या वो और आर से, उसकी इक्वेशन है ये, या रिलेशन बोल सकते हैं हम, कई बार हमने रिलेशन भी तो पढ़ा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द, रिलेशन क्या आएगा इस पॉइंट का इनके साथ, तो ये रिलेशन भी है उसकी इक्वेशन भी है, इस तरह से हम लिख सकते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कुड मूव फर्दर। आगे चलते हैं 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम चलेंगे 12.3। क्या कह रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि एक पी पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट पी द सम ऑफ वुज डिस्टेंस फ्रॉम ए, सम ऑफ वुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फॉर 0 0 एंड बी माइनस 4 0 0 इज इक्वल टू 10। मतलब इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम 10 है। मतलब क्या कह रहा है? मतलब कह रहा है कि भाई साहब पी ए प्लस दीदी भैया प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। तो ये बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, गिवन है। थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव गिवन दिस कंडीशन सो दैट वी कुड डू अवर क्वेश्चन इन अ वेरी इजी वे। सो फर्स्टली जस्ट फाइंड पी ए। तो हम पहले क्या करेंगे, पी ए निकाल लेते हैं। पी ए पर्सनल असिस्टेंट। पी को क्या माने? उससे पहले पी को मान लेते हैं एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। तो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, वाई माइ ओ हो थैंक यू वेरी मच वाई माइनस 0 आसान बना दिया थोड़ा। जेड माइनस 0 क्या है यार, प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो गया इसका रूट, प्लस में पी बी कर देते हैं हम, पी बी भी यही निकाल लेते हैं। प्लस में एक्स माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। तो दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया और दोनों का डिस्टेंस का सम किसके बराबर है? 10 के बराबर है। ठीक है, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10 है, तो सोल्व करते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, दो मेथड है, या तो मैं इन दोनों को यहाँ पे स्केयर कर दूं और ये स्केयर बी स्केयर की डंटी लगाऊं और इधर भी स्केयर कर दूं, फिर ये रूट और रूट बाद में तंग करेंगे। मैंने ये भी करके देख लिया है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं जो आसान लगता है ट्राई करता हूँ वो लेके आऊं। मैं या तो इसको उधर ले जाता हूँ या उसको उधर ले जाता हूँ, बट उससे भी पहले इनको सोल्व कर लेता हूँ। अच्छी स्कीम बन गई, राइम स्कीम बन गई। तो एक्स माइनस 4 का स्केयर, येलो वाला स्केच नहीं है यहां पर, वाई माइनस 0 का स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड माइनस 0 का स्केयर जेड स्केयर। उधर 10 पड़ा है, ये रूट है, और दूसरे वाला ये रूट मैं उधर माइनस ले जाऊंगा तो वो 10 माइनस हो जाएगा। 10 माइनस में रूट स्टार्ट, एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 4 का स्केयर चले आगे। अब देखो सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने से पहले मैं इसको रब कर देता हूं, ये आपने राइट कर लिया होगा। आप स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, यहां पर भी स्केयर कर दो इस तरफ और इस तरफ भी स्केयर कर दो। जब इस तरफ करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहां पर अंदर क्या बचेगा, ए माइन ये बचेगा, इसका मैं स्केयर ऊपर कर लेता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 4 का स्केयर 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स 8x प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ये तो इधर हो गया,
अब इसका जो स्केयर करेंगे ये ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा, तो ए माइनस बी का ऑल स्केयर बन जाएगा। तो 10 का स्केयर 100 प्लस इस सारे का स्केयर, इस सारे का स्केयर, एक्स प्लस 4 का स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये बी है मेरा, इसका स्केयर माइनस 2ab। 2 इंटू ए कितना है, 10 है, इंटू में बी कितना है, एक्स प्लस 4 का स्केयर, इसका रूट है ना, प्लस में वाई स्केयर प्लस में जेड स्केयर। बड़ा आसान है, लेंथी है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है यार, लेंथी है बस। अब देखो ये स्केयर से स्केयर कट गया, है ना, और क्या बचा, देखो इधर तो मेरे पास यही बचा, इस तरफ क्या, देखो इधर तो यही है, ये सारी चीज है, ये यानी यही की यही, एक्स स्केयर प्लस दूसरे वाला स्केच ले लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस 8x प्लस 16, ये है इधर 100, ये कट गया, ये स्केयर जब ओपन करेंगे तो प्लस में एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू x 8x, और यहाँ पर 2 10 20 -20 और अंदर ब्रैकेट में, अब इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स जो कट होते हैं, उनको देख लेते हैं, कौन कौन से कट होंगे, रेड से कट कर लेते हैं, कट होंगे थोड़ा सा ब्लड तो आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कट गया, क्योंकि उधर जाके माइनस होगा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से कट गया, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से कट गया, ये 16 और 16 कट गया, थैंक यू यार, इतने सारे कट गए। और क्या बचा डियर स्टूडेंट, इसको सबको इधर ले जाते हैं, एक एक इस तरफ रख लेते हैं, इधर क्या बचेगा, मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, तो इधर बचेगा डियर स्टूडेंट्स माइनस के 8x और ये प्लस के 8x इधर हो जाएंगे, तो -8x और -8x और कुछ बचा नहीं बचा, ये प्लस के 100 है, इधर आके -100 हो जाएगा, और उधर माइनस के 20 और रूट में इसको भी खोल लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू x 8x प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। यहाँ तक क्लियर है, बस लेंथ ही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, अगर आ जाए तो दिक्कत मत लेना, बस लेंथ ही है। देखो मुझे समझाना, अच्छे से समझाना, तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब ये देखो -8 और -8, -16x माइनस के 100, तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 16 और इस 100 में से 8 आ सकता है, नहीं फ्रैक्शन में चला जाएगा, 4 आएगा, तो अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 4x और प्लस के 25, कॉमन लेना आता है ना, प्लस वन में हो गया आना चाहिए बेटा, -20 और अंदर ये सारा ब्रैन ला रहा, लिख दो सारा ब्रैन ला रहा। अब इसको कर देते हैं रब, भाई आपकी यूज नहीं है, अब एक तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही कौन है, तो देखो ये माइनस से माइनस कट गया, और भाई ये 4 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा, इधर 4x+25 बचेगा, उधर 5 इंटू में रूट में ये बच जाएगा, ये तो मैंने वैसे ही खोला, इतनी मेहनत बार बार, चलो करनी चाहिए कई बार मेहनत, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का स्केयर कर दो, इस तरफ भी स्केयर कर दो और इस तरफ भी स्केयर कर दो, तो ये 5 का स्केयर तो 25 हो जाएगा, और ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, तो अंदर बचेगा एक्स स्केयर प्लस 16 प्लस 8x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर? अच्छे से करते हैं, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। यहां पर डियर स्टूडेंट ए प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगा। लेट मी हैव वाटर। तो येलो वाला ले लें, ले लेते हो। यहां पर ए प्लस बी का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 25, 2 इंटू 25 50, 54 जा 200, 200x इज इक्वल टू ये। अब यहां पर देखें तो इसको भी मुझे करना पड़ेगा, तभी तो मैं कुछ कट कुट कर सकता हूं, है ना, तभी आंसर आएगा। तो कर लेते हैं, ऊपर वाले को रब कर लेते हैं। अब देखो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, 25x स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल में तो भाई इधर लिखो या उधर लिखो। 25 को अगर आप 16 से करोगे, ये 200, 400। तो 25 को 8 से करोगे, 200x प्लस 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 625 200x। अब रेड ले लेते हैं, ये 200x से 200x कट गए, और क्या कटेगा, कटवा लो यार। और तो 16x के 25 में से माइनस चला गया 9x स्क्वायर। अच्छा 25y स्क्वायर पहले इनको ही लिख लेते हैं, ऐसे ही रहेगा, कोई नहीं है तुम्हें काटने वाला, तुम नहीं कटोगे, और क्या बचेगा, ये 625 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 225 इज इक्वल टू 0। इतना बड़ा क्वेश्चन, कब लगे थे हम, 1947 में लगे थे, अब 2020 आ गया, अब होगा सांस आया भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन, हो रब बचाए। तो इसी के साथ हमारी 12.2 कंप्लीट हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। लेट मी हैव वाटर, मिठाई तो खिलाते हैं, पानी पिया जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम चलेंगे 12.3 पर। सो इट हैज बीन नियर अबाउट 17 मिनट्स, 1 आवर एंड 15 मिनट हो चुके हैं, एंड दिस वीडियो विल लास्ट अप टू 45 मिनट्स मोर, बिकॉज 45 मिनट्स तो हमारे लग ही जाएंगे 12.3 में। तो 12.3 आप सही रहिए प्लीज, आपके बिना कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, और सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ करा हमने सेक्शन फॉर्मूला भाई साहब, ये रहा। देखो सेक्शन फॉर्मूला पहले दो में क्या होता था, यहां तक, अब तीसरे में बस जैक लगा दो। अब एक्सटर्नली इंटरनली काटता है तो प्लस प्लस रहेगा, अगर एक्सटर्नली काटता है तो माइनस रहेगा, उल्टा हो रहा है। इंटरनली काट रहा है तो बल्कि नेगेटिव होना चाहिए, बॉडी में पेन होना चाहिए एक्सटर्नली। अच्छा हाँ, कई बार इंटरनली दिखता नहीं है, अंदर से दिखता है, एक्सटर्नली काट रहा है, कई बार नेगेटिव हो जाता है कुछ हमारा, है ना, इंटरनली दिखता नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं होता, कई बार प्लस वाले प्लस को इंटरनली तोड़ भी देता है तो वो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो इंटरनली ये बढ़िया बंदे हैं, वो इंटरनली कट भी कर रहे हैं फिर भी पॉजिटिव रह रहे हैं, ये एक्सटर्नली थोड़ा सा कट करेंगे पार्ट कुट कम हो ही जाएगा, तो एक्सटर्नली नेगेटिव होता है। ये सेक्शन फॉर्मूला जैसे 10th में करा था, दो में क्या होता था वाई होता था, 3 में जेड होता है, बस कुछ है ही नहीं है। चले आगे करते हैं स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कहा गया, ये रहा ये वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 2:3। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है आपको करना है, मैं यहाँ पर निकाल के ले आता हूँ सेक्शन फॉर्मूला, वहाँ से मैं उठा लेता हूँ सेक्शन फॉर्मूला, ये उठा लेता हूँ मैं, कहाँ पड़ा, ये पड़ा सेक्शन फॉर्मूला,
इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इसको, और इसको हम शायद यहाँ पर आ जाए, नहीं भी आएगा तो हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ रहा, अच्छा पार्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, पार्ट को भी हम कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। देखो अब यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेक्शन फॉर्मूला ये रहा, बट हम अप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला आपको मैंने दिखाई रखा है, हम अप्लाई करते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूले की अगर बात करें तो इंटरनली और एक्सटर्नली है, बड़ा ही सिंपल है, बस इंटरनली में प्लस करना है उसमें माइनस करना है। तो ये दो पॉइंट्स है, मैं इनको मान लेता हूँ, एक को मान लिया मैंने पी, पी क्या है माइनस के टू और थ्री और फाइव, और एक मैंने मान लिया क्या हो वन माइनस फोर और सिक्स, इन ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, एक लाइन ज्वाइन कर रही है, और मान लिया एक अनदर पॉइंट है आर, वो इनको काट रहा है आर, अगर टू रेशो थ्री में काट रहा है तो लगभग यहाँ पे होगा वो आर, दो पार्ट यहाँ हो जाएंगे, तीन पार्ट यहाँ हो जाएंगे, टू रेशो थ्री में काट रहा है। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, कोऑर्डिनेट निकालने हो तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड है। डियर स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ऐसे ही मान लिया ये इसको एम वन रेशो एम टू में काट रहा है, या आप के रेशो वन भी ले सकते हो, वो आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, अगर मैं करता हूँ सॉल्व तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एम वन क्या है मेरा टू, अब देखो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये एक्स वन वाई वन और जेड वन, ये एक्स टू वाई टू और ये जेड टू हो जाएंगे, एम वन एक्स टू यानी एम वन एक्स टू, एम वन कितना मेरा टू वन प्लस एम टू एक्स वन, एम टू कितना मेरा थ्री, एक्स वन कितना माइनस टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू, टू प्लस थ्री, टू वन जा टू, थ्री टू जा माइनस सिक्स अपॉन में टू प्लस थ्री फाइव, तो ये टू माइनस फोर बाय फाइव, तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया माइनस फोर बाय फाइव। अब ऐसे ही हम वाई निकाल लेंगे, देखो वाई निकालते हैं, स्केच दूसरा ले लेता हूँ मैं, कौन से वाला लो, देख वाई कैसे निकाल लेंगे, वाई में भी सेम यही फंडा लगेगा, एम वन वाई टू, एम वन यानी टू इंटू वाई टू माइनस फोर, टू इंटू माइनस फोर प्लस एम टू थ्री, थ्री कितना और वाई वन थ्री इंटू थ्री, देखो ये एम वन एम टू हमने किसको मानना है, टू रेशो थ्री को मानना है, क्योंकि फॉर्मूला है एम वन एम टू क्या है, टू रेशो थ्री है, के वन के रेशो वन तो कब क्या ही मानना है, इसमें के वन तो तब ना दिया होता, तो रेशो दिया हुआ तो आप एम वन मान लो या एम वन एम टू मान लो, तो डिवाइड बाय कितना टू प्लस थ्री, तो टू फोर जा माइनस के एट और थ्री थ्री जा नाइन डिवाइड बाय फाइव, तो नाइन माइनस एट ये वन बाय फाइव आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा कितना आया वन बाय फाइव आया। अब चलते हैं, रब कर देता हूँ इसको मैं, इन दोनों को, मुझे मेरी याद नहीं आई कौन है तुम, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अब हमारा जेड कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जेड जेड में भी थ्री एम वन सॉरी टू एम वन जेड टू यानी टू इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू फाइव, टू सिक्स या ट्वेल्व, तुम भी नहीं बताते, बहुत गंदे बच्चे हो, ठीक है टू सिक्स या ट्वेल्व और टू प्लस थ्री फाइव, ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन बाई फाइव, तो तीन कोऑर्डिनेट आ गए कौन कौन से, माइनस फोर बाय फाइव, वन बाय फाइव और ट्वेंटी सेवन बाय फाइव, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, एक्स इस पॉइंट के,
हमारे आर पॉइंट की, ठीक है, ये था एक्सटर्नली। ऐसे ही अगर आपको इंटरनली था, एक्सटर्नली निकालना हो, तो ऐसे ही आप एक्सटर्नली निकाल सकते हैं। करें एक्सटर्नली, इसको रब कर देते हैं। अब माइनस हो जाएगा, बस सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं क्या, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब सिर्फ फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, अब सिर्फ माइनस हो रहा है, ये दोनों जगह माइनस हो रहा है, बाकी सेम फॉर्मूला है। तो कर लेते हैं, तो अब मुझे अगर मान लो निकालना है वही एक्स कोऑर्डिनेट, पहले तो स्केच बढ़िया वाला ले लेता हूँ थोड़ा सा, मैं एक्स निकालना है तो वही 2 × 1 माइनस 3 × −2 अपॉन में 2 − 3, तो 2 − −+3 = 6, 2 − 3 − 1, 2 + 6 = 8, 8 / −8 आ जाएगा। ऐसे ही आप उसको निकाल लोगे, वाई को, वाई को निकाले, वाई निकाले तो देखो 2 × y2 − 3 × 3 अपॉन में 2 − 3, तो 2 ये माइनस के 8 और 3 × 3 = 9, माइनस के 9 अपॉन में −1, तो −17 अपॉन −1, माइनस माइनस कट गया, तो ये 17 आ गया। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जेड निकाल लेते हैं। जेड पे देखे तो वही m1 z2, यानी 2 × 6 3 × 5 −3 × 5 और में 2 − 3, 2 × 6 = 12, −15 अपॉन −1, तो −3 / −1 तो हो जाएगा 3, ये आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, −8, 17 और 3, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली आया है भाई। क्लियर? तो लेट मी हैव अ पानी, आगे चले। स्टिल इट हैज बीन नियर अबाउट 1.5 आवर एंड वी आर लेफ्ट विद द 4 क्वेश्चन, सो डोंट वरी, जस्ट गिव अटेंशन एंड डोंट टेक टेंशन। करें स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कह रहा है। ओ माई गॉड, कोलीनियर, कोलीनियर, कोई बात नहीं, हम है ना, हम करेंगे क्लियर। Given that P, Q and R are collinear, thank you very much. Find the ratio in which Q divide the P, R. अब कह रहा है कि collinear है, तीन पॉइंट है, पहले एक बढ़िया सी लाइन लगाइए, ये लगा ली, अब पॉइंट्स लिख लीजिए, ये वाला और ये collinear है। कह रहा है Q divides the P, R. अब Q P, R को डिवाइड कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच क्या डिवाइड द पी आर। अब क्या एक्सटर्नली कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, वो आएगा रेशियो से। फिलहाल हम मान लेते हैं कि क्या यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो रेशियो निकालना, जब क्या डिवाइड कर रहा है तो रेशियो निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ, मान क्या लेता हूँ, पी दिया हुआ मुझे 3, 2 and −4, आर दिया हुआ 9, 8 and −10 और क्या दिया हुआ है 5, 4 and −6, ये क्या दिया हुआ है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाइक करते हैं, तो रेशो मान लेते हैं कि इसको के रेशो 1 में काटता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक ही लिख देता हूं, वो क्या होता है m1, देखो वो क्या होगा kx2 + 1 × x1 अपॉन में k+1, ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये तो मानते हो, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देते हैं, k
एक्स टू यानी 9, छोटा हो जा प्लीज, प्लस 1 इंटू 3 अपॉन के प्लस 1, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो 9 के प्लस 3 इज इक्वल टू 5 के प्लस 5, ये के प्लस 1 उधर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 5 के प्लस 5 9 के माइनस 5 के 4 के, और 5 माइनस 3, 5 प्लस का 3 उधर जाके -का 3 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 के इज इक्वल टू 2, 2 नीचे जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगा 1/2, यानी के 1/2 आया, यानी के रेशो 1, 1/2 रेशो 1, जब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2, 1:2 मतलब ये यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे मतलब एक पार्ट इधर दो पार्ट इधर, मतलब क्या हो यहाँ पर है, जो आपका भ्रम है आपने यहाँ मानना था और आप भ्रम मान लेते एक्सटर्नली है, वो यहाँ पर है, यहाँ पे कट कर रहा है 1:2, तो ये क्या हो के कोऑर्डिनेट, क्या हो का रेशियो। अब आप सोचेंगे हम तो इसको इससे भी निकाल सकते हैं भाई, से आप जेड से, आप किसी भी से भी निकालिए यार, कोई दिक्कत है ही नहीं है यार, आप चाहे वाई से निकालो आप जेड से निकालो, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, आपको रेशो मिल गया ना बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वाई से भी निकाल सकते हो जेड से भी, चेक करना कि क्या उनसे भी सेम आएगा, क्या उनसे भी यही आएगा, चेक करना, ठीक है क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट। देखो डियर स्टूडेंट्स, कोई एक लाइन है उसको वाई जेड प्लेन काट रहा है, एक या आप एक वाई जेड प्लेन देखो, वाई जेड प्लेन मान लिए ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक लाइन यहां से क्रॉस हो रही है, मतलब एक लाइन है वाई जेड प्लेन उसको काट रहा है, तो वाई जेड प्लेन में जब ये लाइन क्रॉस होगी तो वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ये वाई है ये जेड है, एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यानी वाई जेड प्लेन जब काट रहा है, एक लाइन वाई जेड प्लेन द्वारा कट हो रही है, लाइन गुजर रही है वाई जेड प्लेन से कट हो रही है, तो वहां पर एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, मान लो वो लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है और यहाँ पे यहाँ वाई जेड प्लेन में आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई होगा और जेड होगा, समझ आ रही है बातें, तो छोटी सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आप समझ सकते हो, मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है, कि वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है मेरा ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक पॉइंट है मेरा -2, 4 और 7, एक पॉइंट है 3, -5 और 8, ये लाइन है, क्लियर। अब क्या है मैं आपको बताता हूं कि मान लिया ये दो पॉइंट है ए और ये है बी, इस लाइन ये लाइन वाई जेड प्लेन द्वारा कट रही है, मान लिया किस पॉइंट पे कट रही है, मान लिया वो पॉइंट है मेरा सी, अब वाई जेड प्लेन में क्या होगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई वाई होगा, जेड जेड होगा, कुछ भी हो सकता है, वाई जेड तो मुझे नहीं पता, 2, 3, 4 कुछ भी होगा, तो मान लेता हूँ उसका एक्स 0 होगा, तो बात बन गई है, तो मान लिया कि वाई जेड प्लेन उस लाइन को कट कर रहा है के रेशो 1 में, या वो लाइन वाई जेड प्लेन द्वारा के रेशो 1 में कट हो रही है, तो मान लिया के रेशो 1, तो निकाल लेते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इससे ही बात बन जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 x2 m2 x1 अब डियर स्टूडेंट्स m1 देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0 है, m1 मैंने क्या माना है k इंटू x2 3, प्लस m2 क्या माना मैंने 1 इंटू में x1 - k2 अपॉन में k+1,
तो ये तो के प्लस वन उधर जाके जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, इधर से बचा थ्री के वन मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस टू इजिकल टू जीरो इंप्लाइज ये माइनस टू उधर जाके प्लस का टू हो गया, तो के की वैल्यू आई 2/3। तो यानी वो जो पॉइंट है के रेशो वन, तो 2/3 रेशो वन, और दोनों को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये थ्री से थ्री कट जाएगा, तो 2:3। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका रेशियो क्या आएगा, 2:3। अब आप इसी चीज को किससे कर सकते हो, इसी चीज से कर सकते हो, दूसरी चीज से तो कर नहीं सकते, दूसरा तो आपके पास वाई जेड है ही नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी के साथ क्या कह रहे हो, लेट मी हैव अ पानी, खत्म हो गया आपकी वीडियो में, आप देख सकते हैं दिस इज अ सिलेंड्रिकल जार एंड एम्प्टी जार ओपन फ्रॉम द टॉप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर बड़ा ही इजी है, ध्यान से समझिए। सेक्शन फॉर्मूले से आपको बताना है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, आपको सेक्शन फॉर्मूले से बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। देखो मैंने पिछले जन्म में कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले किया था कि पॉइंट्स कोलिनियर हो तो या तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है, या तीन कंडीशन बताई थी, वो तो कोलिनियरिटी की होती है। अब सेक्शन फॉर्मूले से हो गया, अब मान लिया जब सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे, मान लिया ए बी पॉइंट कोलिनियर होंगे, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट इनको किसी ना किसी रेशो में तो काटेगा। जब ये कोलिनियर है तो कुछ ना कुछ तो रेशो आएगा भाई, वो पॉइंट पता नहीं 2:3 पे लाई करता है, पता नहीं 1:4 पे लाई करता है, कुछ ना कुछ तो रेशो आएगा। अगर मेरा रेशो सेम आ जाता है, अगर मेरा रेशो आ जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि यस वो पॉइंट कोलिनियर है। जैसे पापा की कंडीशन क्या है, मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए, वैसे ही अगर सेक्शन फॉर्मूले से बात करें कि पॉइंट कोलिनियर है, तो भाई जो वो कोलिनियर पॉइंट है ना, उसका कुछ ना कुछ रेशो आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो कोलिनियर है। तो हम देखें, देख लेते हैं, मान लिया ये लाइन है, मान लिया गया लाइन ही तो है, तो भी कमाल करते, मान लिया ए यहां पर है, हाँ ये मान सकते हैं, ये नहीं पता हमें ए कहां पर है, मान लिया बी यहां पर, हाँ ये भी मान सकते हैं, हमें पता ही नहीं कहां है बी, मान लिया सी भाई साहब इसके बीच में लाई कर रहे हैं कहीं पे, अब जरूरी नहीं है सी कहां पर लाई करता है, क्या आप तब बाहर लाई करें, एक्सटर्नली कट कर रहा हूँ, इंटरनली, वो डिपेंड करेगा रेशो क्या आएगा, रेशो से आएगा। मान लिया कि जो ये पॉइंट सी है, बैटरी भी लो हुई है, ये सी पॉइंट है, मान लिया ये सी पॉइंट इसको किसी ना किसी रेशो में कट कर रहा है, वो रेशो मैं मान लेता हूँ के रेशो वन मान लेता हूँ, मान लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एम एक्स टू, मान लिया ये जो पॉइंट सी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, बात बन गई, जीरो आ गया, के एक्स टू इसको मैं मान लेता हूं एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू, देखो के एक्स टू के इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू टू, फिर वो क्या हो गया, तो जूम हो गया, सही रहा ना, मिलता होता है, डिवाइड बाई के प्लस वन, सिंपल है, ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये के प्लस वन उधर जाके जीरो हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, इधर से बचा माइनस के प्लस टू इजिकल टू जीरो, तो माइनस के प्लस का टू उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टू, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो के की वैल्यू आ गई टू। अगर के टू आया तो इसका मतलब ये 2:1 में काटता है,
और अगर 2 रेशो 1 में काटता तो हमारा भ्रम है कि यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे नहीं लाई करेगा। 2 रेशो 1 मतलब लगभग ये यहाँ पे लाई करेगा। ये पॉइंट हमारा क्या था, 0, 1/3 और 2, तभी तो 2 रेशो 1 होगा, 2 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर। इतना तो समझ में आना चाहिए ना, है ना। तो अभी क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है? क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब मान लिया भाई ये तो के 2 रेशो 1 आ गया, हमने एक्स कोऑर्डिनेट से चेक करा, अभी 2 रेशो 1 आ गया। या तो हम तीनों कोऑर्डिनेट से चेक करें, तीनों से 2 रेशो 1 आएगा, या तो ये मेथड है, या हम इस के को पुट कर ले अदर 2 कोऑर्डिनेट में और वैल्यू निकाल ले। अगर 1/3 और 2 आ रही है तो इसका मतलब ये रियलिटी में ही काट रहे हैं। तो दो केस है, या तो दूसरे पॉइंट से भी रेशियो निकाल लो, वो भी 2 रेशो 1 आना चाहिए, या इस रेशो को पुट कर लो तो वहां से कोऑर्डिनेट वो आने चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा ना दया, तभी तो आएंगे। तो आप कुछ भी अप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं के को लेके बाकी 2 पॉइंट्स निकाल देता हूं। तो पुट के इज इक्वल टू 2, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, मैं वाई मेरा 1/3 आना चाहिए, तो मैं निकालता हूँ क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा मेरा, देखते हैं, m1y2 यानी के इनटू में y2 कितना है, 2 प्लस 1 इनटू में -3 अपॉन में k+1। अब मैं k ही ले रहा हूँ, k तो लेना ही, 2 लेना है, 2 इनटू में 2, 1 -3 -3 और 2+1 3, तो 2 2 4 -3 1/3, 1/3 आ गया, आ गया 1/3 आ गया। तो अभी तो 1/3 ये आया, जरा रुको जरा रुको, एक और पड़ा अभी, एक और पेंडिंग। अभी अगर वो आया ना 2, तो हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन में बच्चे की जान लेंगे यार, करना तो पड़ेगा वरना शर्मा जी का बेटा। तो अब निकालते हैं जेड जेड वाला, के को 2 पुट करेंगे, 2 इंटू में Z2, 1 इंटू में 4 आ गया, Z2 आ गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सी पॉइंट कट दिस लाइन इन 2 रेशो 1, हेंस ABC आर कोलिनियर। स्वर्ण अक्षरों में आप लिख देंगे कि ABC क्या है, कोलिनियर है। अगर ABC कोलिनियर है, आप स्वर्ण अक्षरों में लिख दोगे और इस तरह से, ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ABC क्या है, कोलिनियर, रेशो भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सी बीच में लाई कर रहा है, तो लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हमें हो चुके हैं नियर अबाउट 1 आवर 45 मिनट्स के अराउंड, तो अभी सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, लास्ट 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहे, खुद करोगे? अच्छा चलो मैं करवा देता हूँ आपको। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब बीच में से काटना, ट्राइसेक्ट मतलब तीन हिस्से, तीन सेक्शन करना, इक्वल सेक्शन। इज इट क्लियर? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अच्छा देखो, पी है मेरे पास, एक पॉइंट है पी है, 4, 2 और -6, अब 2 पॉइंट इसको कट कर रहे हैं। मान लिया ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट इसको 2 पॉइंट कट करेंगे, एक लाइन को 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट करेंगे, और इसको मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं एस। अब इसका रेशियो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 1 पार्ट इधर है, 2 पार्ट उधर है, तो 1:2।
और इसका क्या हो जाएगा, दो पार्ट इधर है एक उधर है, तो और इसको मैं मान लेता हूँ, मान लिया आर को आर है, तो आर के जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने मान लिए एक्स वाई और जेड। निकाल दे एक्स कोऑर्डिनेट, निकाल दे 1 × x2, 1 × 10, 1 × 4 ये x1, तेरे को क्या हो गया भाई, क्यों जो हो रहा है, पागल हो रहा है क्या, क्यों हिल रहा है इतना, 1 + 10, 1 × 10 10, 1 × 4 14, 4 एक्स कोऑर्डिनेट आया मेरा 14/3, 14/3 कोऑर्डिनेट निकालना है, 14/3 चेक करें, 14/3 कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने, कुछ देखते हैं। देखो 1:2 फाइंड द ट्राइसेक्ट, देखो ये 4 2 - 6 है, ये 10 - 16 और 2 है 6 है, तो ये 1:2 आर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, आर कोऑर्डिनेट 1 × 10 प्लस 2 × 4, ओहो यहाँ पे 2 × 4 आएगा भाई, और 1 + 2 यानी 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 + 8 18/3 यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, छोटे 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 शहरों में छोटी छोटी सी गलतियाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, एक्स 6 आ गया, तो क्यों ना वाई निकाला जाए, वाई निकाल देते हैं। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे, ये मेरा एक्स 6 आ गया, वाई निकालता हूँ, तो 1 × में y2 प्लस 2 × में y1 -4 आ गया। इज इट क्लियर? अब चलते हैं जेड की तरफ, तो इसको रैप कर दो, तो जेड 1 × में 6, 2 × में -6, हो गया। तो मेरा जो पॉइंट्स आया वो क्या आया मेरे पास पॉइंट आया, तो ये मेरा जो पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट आए 6 - 4 और -2, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट आए किसके, आर पॉइंट के आए। तो एस कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसका रेशियो 2:1 है, ऐसे ही इसको एक्स वाई जेड मान लो, ऐसे आप 2:1 करके आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, आपको तो छोटा सा क्वेश्चन याद करना है। तो इसी के साथ हमारा 12th चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट, 3 की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आप खुश हैं तो हमारी मोटिवेशन बढ़ी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।